हेलो दोस्तों, प्रसाद मैं चले यूनिक आइटम आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस को आप यूज कैसे कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस को आप अपना बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, काफी सारा फ्रेंड के दिमाग में बहुत सारा सवाल है कि जो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट बैलेंस मिला हुआ है उसको कैसे बैंक अकाउंट ट्रांसफर करेंगे या कैसे उसको कैसे यूज करेंगे, या अगर जब भी आपका फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस है और आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो उसका आप कैसे फिर जो गिफ्ट बैलेंस है आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो गिफ्ट बैलेंस का कुछ एक्सपायरी डेट भी होता है तो वो कितने दिन में आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो सारे कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले। बस वीडियो का आखिर तक बनने मैं आपको पूरा आसानी से समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप पहले वीडियो पहले देख सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप देख टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारा ऑफर जानकारी, नया अपडेट जानकारी हम पहले भी आपको देते हैं। अभी वह आता था फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस को हम पहले देखेंगे जैसे कि हमको फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस कहाँ मिला है, उसके बाद बात करें फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस मिलता कैसे। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस आपको मिलता कैसे। देखिए, अगर कोई आप दो तरीके से होता है, अगर आप फर्स्ट तरीके से अगर आप कोई आपको कोई फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड भेजा है कोई भी, अगर जैसे अमेजन गिफ्ट कार्ड होता है, पेटीएम गिफ्ट कार्ड होता है, वैसे फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड होते हैं, अगर आपको कोई फ्लिपकार्ट में गिफ्ट कार्ड भेजा है तो वो गिफ्ट बैलेंस आप ऐड किए होंगे, एक तो उसका है। और एक है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस किए होंगे फ्लिपकार्ट से, और कोई भी प्रोडक्ट को आप परचेस किए होंगे फ्लिपकार्ट से और आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिए, जैसे कि आपका आया आप उसको रिटर्न कर दिए, तो वहां से भी आप कोई ऐसा कोई कई होता है जहां से जो बैलेंस आपको रिटर्न मिलता है, जो अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है वो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट बैलेंस में जाकर रह जाता है, तो उसको आप यूज कैसे करें, उसके भी एक्सपायरी डेट होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम देखें कैसे हमको कि फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस कहाँ देखना है। तो चलिए पहले फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और चलते हैं अकाउंट सेक्शन पे। जब हम अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो एक सेव कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन है, सेव कार्ड एंड वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन, जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई कार्ड एंड वॉलेट अभी गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है और 159 रुपीज मेरा गिफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका एक्सपायरी डेट क्या है, देखिए यहाँ पर 29 फरवरी की 2024, यानी मैं अभी 2028 फरवरी को डाला था, तो यानी ये एक साल तक इसका वैलिड रहता है। और जब भी आप इसको कोई भी आपको गिफ्ट कार्ड भेजता है या अगर आपको कोई अमाउंट रिटर्न मिलता है, जो गिफ्ट बैलेंस होता है उसका जो वैलिडिटी होता है वो बिल्कुल 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के अंदर आपको यूज करना है, नहीं तो वो एक्सपायरी हो जाएगा, यानी वो माइनस हो जाएगा आपके बैलेंस से। अभी बात आती है यूज कैसे करना है। देखिए, अगर काफी सारा आप यूट्यूब पे काफी सारा वीडियो देख लेंगे कि फ्लिपकार्ट जो गिफ्ट बैलेंस होता है आप उसको बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्लिपकार्ट डायरेक्टली बोला है जो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट बैलेंस है आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा है, अगर आपके पास 159 रुपीज है और आप कुछ 200 या 250 रुपीज के प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो 159 तो आप पेमेंट कर लेंगे, बाकी आप कोई भी यूपीआई से, आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से या कोई भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। मगर आप अगर आप कोई 159 से ज्यादा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आप 159 माइनस हो जाएगा और आप और जो नेक्स्ट अमाउंट होता है वो आप और कोई भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। बात ये हो गया। अभी बात आते हैं अगर आपका कुछ गिफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है और आप अपना जो भी फ्लिपकार्ट का अकाउंट है बिल्कुल डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी डिलीट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, तो फ्लिपकार्ट डायरेक्टली ये बोल रहा है कि अगर आपका कुछ गिफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है और आप अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको वो गिफ्ट बैलेंस नहीं मिलेगा। तो आप पहले ये सिक्योर करा लीजिए कि अगर आप जब भी फ्लिपकार्ट का अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट कर रहे हैं उसके पहले आपका फ्लिपकार्ट जो भी गिफ्ट बैलेंस है आप इसको यूज करने के बाद ही आप अपना अकाउंट डिलीट करें, नहीं तो आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी आप उसको और यूज नहीं कर सकते। तो ये पूरा वीडियो था क्योंकि काफी सारा फ्रेंड के दिमाग में बस यही डाउट भरा हुआ है कि फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट बैलेंस को बैंक अकाउंट ट्रांसफर कराएंगे, बिल्कुल भाई नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, अगर अमेजन गिफ्ट बैलेंस की बात करें तो उसको आप रिचार्ज में यूज कर सकते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेस करने जैसे यूज करें, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आपको फ्लिपकार्ट में गिफ्ट बैलेंस मिला हुआ है तो आप बस उसको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जाइए, अगर कितने भी गिफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है उसका एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट के अंदर उसका यूज कर लीजिए। अगर आप अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो पहले अपना गिफ्ट बैलेंस यूज करने वाली अकाउंट डिलीट करें। इस तरह और भी आगे भी यूनिक वीडियो देखने के लिए या अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो कोई एप्लीकेशन के बारे में
सब कुछ जानने के लिए आप मुझे कमेंट पर कमेंट कर सकते, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो ये कंप्लीट वीडियो था, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नई जानकारी लिखे।